पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का, आजकल ये पंक्तियां बड़े राजनीतिक दल के नेताओं पर सटीक बैठ रही हैं। आधी आबादी की चाहत रखने वाले ये नेताजी अपने सामने हो रहे तमाशे को देखते तो जरूर रहते हैं, लेकिन कुछ बोलने की हिमाकत नहीं करते। नेताजी का यूं चुप्पी साधे रहना क्षेत्र से भाग्य आजमा रहे बड़े राजनीतिक दल के सिपाहियों को कहीं महंगा ना पड़ जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आजकल भाजपा की आधी आबादी नेताओं को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। इस आधी आबादी की सोच मौजूदा सिपाहियों के लिए खतरे की घंटी बजाती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि इस आबादी की सोच से कोई अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में कोई आगे आने को तैयार नहीं हुआ। दरअसल मामला शहर के पॉश एरिए में बने राजनीतिक ऑफिस का है, जहां पर देखते ही देखते आधी आबादी की एक सिपाही ने अपनी दूसरी सिपाही पर उंगली उठा दी और राजनीतिक प्रलोभन के चक्कर में काम करने का आरोप तक मढ़ दिया। यहां तक कह दिया गया कि राजनीतिक का फायदा उठाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। राजनीतिक ऑफिस पर देखते ही देखते मामला गर्मा गया और हद तो तब हो गई जब संगठन के बड़े लोग ये तमाशा देखते रहे और किसी ने भी कुछ बोलने की हिमाकत तक नहीं की। अब ऐसे में राजनीतिक माहौल बिल्कुल गर्मा गया है और आलम यह है कि अब क्षेत्र में जाकर काम करने से आधी आबादी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। यदि ऐसा होता है तो नुकसान किसी और का नहीं बल्कि भाग्य आजमाइश कर रहे भाई साहब का ही होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।